फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये सीखने वाले हैं कि वर्मी कंपोस्ट को टेस्टिंग से पहले सुखाते कैसे हैं, उसका जो प्रोसीजर होता है वो किस तरह का होता है। तो आइए हम देखते हैं कि हम करते क्या है। हमारे पास एक पेट्री डिश है। ये पेट्री डिश जो है ग्लास का है और हमारे पास है एक सैंपल। सैंपल कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं। ये सैंपल गीला है, इसको हमको सुखाना पड़ेगा। तो एक पेट्री डिश इसमें हम सैंपल को भर लेते हैं। कुछ इस तरह का ये सैंपल हम सुखाने वाले हैं। इससे हैवी मेटल, ऑर्गेनिक कार्बन और पोटास और फास्फोरस, इन चार चीजों का टेस्टिंग हम इससे करेंगे। तो चलिए चलते हैं ओवन की तरफ। ये जो आपके सामने मशीन दिख रहा है, ये हॉट एयर ओवन है और इस सैंपल को हम इस ओवन में रखते हैं और 105 डिग्री सेल्सियस पर कम से कम 6 से 8 घंटे तक सूखने को रख देते हैं। इसके अंदर का नजारा आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का चैम्बर बना हुआ होता है। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं। देखिए ये चालू हो गया है और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर यहाँ बताएगा, बढ़ने लगेगा। अभी 61 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। चूंकि यहाँ पे रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है, इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि ये हीट हो रहा है। धीरे धीरे इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जाएगा और 105 पे आके ये फिक्स हो जाएगा और उसी टेम्परेचर पे हमको 6 से 8 घंटे तक इसको रखना है। तो फ्रेंड्स, 6 से 7 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको खोल के देखते हैं कि ये सूखा है या नहीं। तो ये सूखने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई देता है, क्लियर भुरभुरा सा, मतलब ये पूरी तरह से सूख गया है। अभी भी इसके जो ग्रेनुअल्स हैं, इसके अंदर में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर कंटेंट होगा, पर वो ऑर्गेनिक कार्बन क्या बोलते हैं, इसको अगला हम टेस्ट करने के लिए लेके जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, वेइंग मशीन ले लेते हैं और एक क्रूसिबल ले लेते हैं। क्योंकि हम ओसी का टेस्टिंग करने वाले हैं, इसलिए ओसी के लिए 10 ग्राम सैंपल हमको लेना होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो वेइंग मशीन है वो सही तरीके से कैलिब्रेट है या नहीं। उसके लिए 200 ग्राम का वाट ले लिए हम और इसको हम चढ़ा के देखते हैं यहाँ पे ये कितना बताता है। तो ये 200 ग्राम बता रहे हैं, 200 ग्राम 0.002, मतलब 0.002 के डिफरेंस में है, तो इतना चलता है। नेक्स्ट, सबसे पहले आपको इस क्रूसिबल का वेट ले लेना है। इस क्रूसिबल का वेट हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाया हूँ। सबसे पहले वेट ऑफ क्रूसिबल, जिसको मैं ए मान के चला हूँ, तो इसका वेट ऑफ क्रूसिबल आ रहा है यहाँ पे 17.384। इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं। ओके, अब में हम इसको टेयर करके जीरो कर लेते हैं क्योंकि हमको 10 ग्राम सैंपल लेना है। ये जीरो हो गया। अब हम यहां पे 10 ग्राम सैंपल इसमें लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या कर दिया है, 10 ग्राम सैंपल वेट कर लिया है।
तो हमको इतना सैंपल लेना है, इस सैंपल को हम मफल फर्नेस में 6 से 8 घंटे तक जलाएंगे। अगला स्टेप जो है हमारा मफल फर्नेस में सैंपल को रखना। मफल फर्नेस कुछ इस तरह का होता है, ये लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, तो हमको इस फर्नेस में लगभग 650 से 700 डिग्री सेल्सियस तक हमको ये क्या करना है, 6 से 8 घंटे तक इसको जलाना है। 6 से 8 घंटे तक 650 टू 70 डिग्री सेल्सियस जलाना है, बर्न करना है। तो इसमें रखने के लिए ये जो चैम्बर दिखा है अंदर में, ये इसका हॉट एरिया है, और चूंकि हम यहाँ पे 9 सैंपल लिए हुए हैं, तो सैंपल में सैंपल को हम लाइन से रखते हैं। इसकी नंबरिंग आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जलने के बाद ये नंबर भी मिट जाता है। तो सबसे पहले मैंने जैसे यहाँ पे लिया है 902, तो 902 को मैं यहाँ सबसे पीछे रखता हूँ, और उसके बाद में 903, 904, 905, इस तरह से मैं इसको लाइन से रखता हूँ। इसको आप एक कागज में लिख लें कि आपका सीरीज क्या है, जिससे आपको याद रहे, क्योंकि इसके जलने के बाद आपको क्रूसिबल में कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, इसलिए उसको कहीं पे नोट डाउन कर लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह से इसका लॉक है, ये लॉक हो गया, इसके बाद यहां से ऑफ है, इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो क्या होता है, कुछ देर बाद इसका टेम्परेचर जो है बढ़ने लगता है। ये जो टेम्परेचर है वो हम 100% तक यहाँ पे रख दिए हैं, ताकि जल्दी से जल्दी गर्म हो सके। ये फाइन टेम्परेचर कंट्रोल है। देखिए अभी इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री हो गया है। मैं 650 या 70 डिग्री सेल्सियस पर आपको इसको एक बार दिखाऊंगा। तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 689 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है, 690, और मैं इसके अंदर का नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो ये कुछ इस तरह का होता है, और ये 6 से 7 घंटा हो चुका है। तो हम इसको बंद करते हैं, और उसके बाद में आगे का जो प्रक्रिया है तो उसको चलाते हैं। इसको ऑफ कर देता हूँ। कुछ देर इसको खोल दिया हूँ ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। ये क्या है, ठंडा हो गया है, और ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, अभी भी इसके अंदर में गर्मी है, तो हम हाथ से तो इसको नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमको टंग्स की जरूरत पड़ेगी। टंग्स से हम इसको निकाल लेते हैं। ये सबसे पीछे वाला 902 नंबर का सैंपल है, इसको लेके चलते हैं अब वेट करने के लिए। जलने के बाद जो सैंपल है कुछ इस तरह से दिखता है। ये मतलब जो हमारा मटेरियल था उसमें से सारा ऑर्गेनिक कार्बन जल के उड़ गया है। जलने के बाद इसमें केवल राख बचा हुआ है, ऑर्गेनिक कार्बन बिल्कुल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वेट कर लेंगे, जो पहले वेट किए थे उससे इसको वेट करके माइनस कर देंगे। तो क्या होगा, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट जो था वो उसी को उसी मेथड से निकल जाएगा। उसका एक फार्मूला है, मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले अभी इसका वेट कर लेते हैं।
ये आ रहा है 22.495। अब यहाँ पे एक फार्मूला है बी माइनस ए इंटू 10 अपॉन 1.724। तो हम बी माइनस ए कैसे निकालेंगे, जो पहले हम वेट लिए थे यहाँ पे, ये क्रूसिबल का वेट है और ये सैंपल का वेट, दोनों को जोड़ देंगे। इसमें हम घटा देंगे कितना, जो भी जलाने के बाद में जो वेट आया है उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। मतलब ये फार्मूला कुछ इस तरह का हो जाएगा, 27.384 माइनस 22.495 इंटू 10 अपॉन 1.724। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, 27.384 माइनस 22.495, ये आ गया है 4.889 इंटू 10 अपॉन 1.724। जो रिजल्ट आया है मैं इसी को इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1.724। तो इसका जो ऑर्गेनिक कार्बन आ रहा है वो 28.358। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक कार्बन है एक अच्छा उसी उस सैंपल का आ रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, भर देते हैं, जो चार्ट मैंने बनाया है बी माइनस ए, इसमें लिख देता हूँ मैं 4.889 और जो ओसी आया हुआ है वो है 28.358। तो इस तरह से ओसी हमारा आ गया है। अब जो जो सैंपल हमने वेट किया है उस सैंपल को आगे हम फास्फोरस की टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि फास्फोरस का जो टेस्टिंग होता है उसमें भी 10 ग्राम सैंपल चाहिए होता है, अब वो भी फर्नेस में जला हुआ सैंपल चाहिए होता है। तो इसी का जो सैंपल जो बचा हुआ है उसको हम आगे फास्फोरस के लिए टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और भी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से सभी जितने भी एलिमेंट हमारे पास होते हैं उसका वीडियो एक एक करके आते जाएगा। भले ही एक एक दिन दो दो दिन का टाइम लग सकता है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग टाइप का टेस्टिंग होता है, तो थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।